Hello friends, our today lecture is TRF receiver. There are basically two types of receivers we study in our syllabus, in engineering syllabus. That is TRF receiver, tuned radio frequency receiver, and other is super heterodyne receiver. These are the two main configurations of the receiver. So here we are going to study the TRF receiver, tuned radio frequency receiver. The given figure shows the block diagram for the TRF receiver. TRF receiver shows that it consists of two RF amplifiers, one detector, one audio amplifier, and other is power amplifier. RF एम्पलीफायर को जो दोनों एम्पलीफायर हैं RF एम्पलीफायर इसको किसके रिसीविंग एंटीना और डिटेक्टर के बीच में रखा गया है. इसको क्यों रखा गया है एंटीना और डिटेक्टर के बीच में? व्हाई इट इज प्लेस्ड बिटवीन द एंटीना एंड डिटेक्टर? सो दैट इट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीव सिग्नल बिफोर इट इज अप्लाइड टू द डिटेक्टर. ताकि जो सिग्नल ये रिसीव करे, आरएफ एम्पलीफायर जो है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही रिसीव करेगा. जो सिग्नल की हमें ज़रूरत है उसी सिग्नल को रिसीव करेगा और बाकी सिग्नल को नहीं रिसीव करेगा. जब ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करेगा तो ये क्या काम करेगा? इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीव सिग्नल और उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इनक्रीज करेगा. डिटेक्टर में अप्लाई करने से पहले जो ये सिग्नल को रिसीव करेगा रिसीविंग एंटीना से, उसको पहले तो जिस फ्रिक्वेंसी को ज़रूरत है उसको रिसीव करेगा, फिर उसको जो है उसकी स्ट्रेंथ को, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फिर जाके डिटेक्टर में वो सिग्नल अप्लाई होगा. ये दोनों एम्पलीफायर ट्यून्ड किए जाते हैं. दीज आर एफ एम्पलीफायर्स आर ट्यून्ड टू फिक्स फ्रिक्वेंसी, एम्पलीफाई द डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, जो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे उसको फिर किस में अप्लाई किया जाएगा? डिटेक्टर में. देन द एम्पलीफाइड सिग्नल इज अप्लाइड टू द डिटेक्टर टू रिकवर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अब डिटेक्टर पे क्यों अप्लाई करेंगे? ताकि जो सिग्नल ये पहली बात तो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर उस सिग्नल को डिटेक्टर पे अप्लाई करेंगे. डिटेक्टर क्या करेगा? उससे जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेगा. डीमॉड्यूलेशन, डिटेक्टर और डीमॉड्यूलेशन एक ही चीज़ है. उसको जो है ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेगा. द रिकवर्ड सिग्नल, या तो ओरिजिनल सिग्नल कह लो या रिकवर्ड सिग्नल, इज एम्पलीफाइड फर्दर बाई ऑडियो एम्पलीफायर फॉलोड बाई पावर एम्पलीफायर. मतलब कि जब ये ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर लेंगे, मतलब रिसीव कर लेंगे, तो ये उसको और जो है एम्पलीफाई होंगे. किसके द्वारा? ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर के द्वारा. विच प्रोवाइड्स सफिशियंट गेन टू ऑपरेट एट अ लाउड स्पीकर. फिर उसको जो है लाउड स्पीकर पे अप्लाई कर दिया जाएगा. फ्रेंड्स, ये ब्लॉक डायग्राम है, आप लिख भी सकते हैं चाहें. फिर इसकी लिमिटेशन है कुछ फ्रेंड्स, वो मैं लिमिटेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल समझाए दे रहा हूँ दोस्तों. पहली लिमिटेशन क्या है? पुअर सिलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी. पुअर सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? मतलब कि जो टीआरएफ रिसीवर है, द एबिलिटी ऑफ टीआरएफ रिसीवर टू सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर इज सीरियसली अफेक्टेड. दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ सेलेक्टिविटी. ठीक है फ्रेंड्स, पहली इसकी लिमिटेशन है पुअर सेलेक्टिविटी एंड लो सेंसिटिविटी आर इनसफिशिएंट सेलेक्टिविटी. जो ये प्रॉब्लम है इसकी टीआरएफ रिसीवर की, वो जो है जब हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी. उसमें एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लगा होगा सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में,
वो इस प्रॉब्लम को, जो इसकी सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो उसमें सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में सॉल्व होगी। अब फ्रेंड्स इसका सेकंड जो है लिमिटेशन है, फ्रेंड्स इसमें सेकंड लिमिटेशन मैंने केवल ऐसे एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स इसकी जो सेकंड लिमिटेशन है वो है वेरिएबल वेरिएशन इन बैंडविड्थ। फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए, मैं डिक्टेट किए दे रहा हूँ। इसकी जो सेकंड लिमिटेशन है वेरिएबल बैंडविड्थ है। वेरिएशन इन बैंडविड्थ है फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। TRF receivers suffer from a variation in bandwidth over the tuning range. TRF receiver जो है variation in bandwidth की वजह से भी उसमें जो है selectivity और sensitivity की दिक्कत आती है friends. Variation इसका second limitation जो है variation in bandwidth है friends. इसको आप जो है book से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अब लिखा नहीं है यहाँ पर, नहीं तो explain कर देता friends. So please इसको आप देख लीजिएगा book से। So friends इस लेक्चर को यहीं आज समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।